नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ 1350 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर का वॉक थ्रू लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 1300 स्क्वायर फीट में किस तरीका से यहां पे 4 से 5 बेडरूम के साथ साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और उसके साथ साथ कार पार्किंग या फिर एक दुकान भी निकाल लिया गया है। आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा, साइज के साथ बताऊंगा। आप देखिए, फ्रंट व्यू उसका 30 फीट का है और साइड व्यू 45 फीट का रखा गया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू का काम किया जा रहा है। हालांकि साइड में सीढ़ी का जो लैंडिंग है उसे एक्स्ट्रा बाहर निकाला गया है। आप इजिली इधर देख सकते हो जो ऑफसेट एरिया यहाँ पर छोड़ा गया है। तो चलिए घर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो घर का फर्श के लेवल है ग्राउंड के लेवल से, तो देख सकते हो लगभग 4.25 फीट के आसपास में ग्राउंड के लेवल से इस घर का फर्श का जो ऊंचाई है उसे रखा गया है। काफ़ी अच्छा और जो हाइट है वो गेन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, यह है घर का फ्रंट व्यू। टोटल 18 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। कॉलम साइज़ 9 इंच बाई 12 इंच। अभी अंदर चल के आपको दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं वॉक थ्रू के आखिर किस तरीका से इस घर को अंदर से बनाया जा रहा है। घुसने के साथ ही आपको मिल जाता है हॉल। ये देख लीजिए, काफ़ी बड़ा साइज का यहाँ पे हॉल है और यहाँ पे मेन आपका गेट आ जाएगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। उसके साथ उधर वाला जो एरिया है उसे आप चाहो तो दुकान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर यहाँ पर गेस्ट रूम भी आप बनवा सकते हो। मैं इस जगह का बात कर रहा हूँ, सामने की तरफ दुकान, कार पार्किंग, या फिर यहाँ पर गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में यहाँ पर आप इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे लगभग 4.5 से 5 फीट की चौड़ाई में आपको मिल जाता है गली और इसके दोनों तरफ एक एक रूम है जिसका साइज़ 11.5 फीट बाई 11 फीट के आसपास में रखा गया है। ये आप देख सकते हो, ये पहला रूम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके जस्ट अपोजिट दूसरा रूम मिलता है, बीच में गली यहाँ पर रखा गया है। तो ये दूसरा रूम हो गया, आप इजिली यहाँ पर देख सकते हो। और थोड़ा सा और हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा टॉयलेट और बाथरूम, राइट साइड में मिल जाएगा सीढ़ी। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीका से यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण किया गया है। बेस के साथ सीढ़ी बनाया गया है, फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग को बाहर निकाला गया था। मैंने आपको बाहर से भी दिखाया था। सीढ़ी के नीचे से आप चाहो तो एक एग्जिट डोर लगा सकते हो, मतलब साइड की तरफ ही एक छोटा सा दरवाज़ा आप रख सकते हो, इमरजेंसी में वो काम आता है। इसके जस्ट अपोजिट आप देखिएगा तो आपको मिल गया है यहाँ पर इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम, ये आप देख सकते हो। और इसके और आगे चलते हो तो आपको मिल जाता है यहाँ पे किचन है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे किचन बनाया जाएगा एल शेप में, उसके साथ वहाँ पे कुछ खाली जगह है जिसको आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हो, या फिर डाइनिंग एरिया के रूप में भी आप उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट वाला जो जगह है वो इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है। ये आप देख सकते हो किचन के जस्ट बगल में अपोजिट साइड में ये डाइनिंग एरिया रखा गया। एक बड़ा साइज़ के यहाँ पर विंडो है ताकि इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, लाइट भी आपको मिल सके। पीछे वाला जगह का बात कर लिया जाए तो लगभग 14 फीट बाई 11 फीट के आसपास का दो आपको यहाँ पे रूम देखने को मिलता है। साइज इसका बड़ा रखा गया है, ये देख सकते हो पीछे का कॉर्नर की तरफ इसका काम है वो किया जा रहा है। चलिए दिखा देता हूँ। हालांकि ये जो कॉलम है इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि 9 इंच बे 12 इंच का बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कास्ट किया हुआ कॉलम आप देख सकते हो। और कुछ इस तरीका से इसमें सरिया का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। टोटल 6 सरिया का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, जिसमें 4 सरिया 16 एमएम का है और 2 सरिया 12 एमएम का। ब्रिकवर्क हो, प्लिंथ बीम का ढलाई हो, या फिर कॉलम का कास्टिंग हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको नज़र आएगा। आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो पूरा जो दीवार है, देखिए बिल्कुल चमकता हुआ काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखिए, और सील लेवल तक का काम कंप्लीट किया गया है, मतलब जो इस घर का काम हुआ है जहाँ पे खिड़की हम लोग छोड़ते हैं ग्राउंड के लेवल से, जो घर का जो फर्श होता है वहाँ से 3 फीट की ऊँचाई तक, वहाँ तक का काम किया गया है। अंदर का जो दीवार है वो 5 इंची का है, ये देखिए आप इजिली देख सकते हो 5 इंची का है। और जो बाहरी दीवार है वो 10 इंची के साथ यहाँ पे रखा गया है। बिल्कुल चमचमाता हुआ काम है, मिस्त्री और ठेकेदार का जो यहाँ पे काम है, देख सकते हो काबिले तारीफ काम किया गया है। नीचे का जो फर्श का काम है, फिलिंग तक का काम किया गया, मतलब जो इसका भराई का काम है वहाँ तक का काम इसमें कंप्लीट कर लिया गया है, आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि इस घर का जो प्लिंथ है उसका साइज़ भी 9 इंची बाई 12 इंची का ही रखा गया है 4 सरिया के साथ में। तो 2 रूम पीछे की तरफ आपको देखने को मिल गया, ये देख सकते हो। उसके बाद ये डाइनिंग एरिया है, इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है किचन। ये देखिए कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ आकर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे 2 रूम हो गया, उसके साथ यहाँ पर डाइनिंग एरिया हो गया
और इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, एक किचन हो गया, और यहाँ पे देखिएगा तो जो खाली जगह है उसे डाइनिंग एरिया के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टॉयलेट बाथरूम यहाँ है, उसके जस्ट अपोजिट आपको मिल गया सीढ़ी, और उसके साथ दो और आपको रूम मिल जाता है उसके सामने की तरफ। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से दो रूम है, एक इधर है और एक इधर है, और थोड़ा और पीछे चलते हैं तो आपको मिल जाता है दुकान के साथ साथ आप चाहो तो उसे कार पार्किंग या फिर एक रूम यहाँ पे बना सकते हो गेस्ट रूम के रूप में। इसके जस्ट अपोजिट आपको मिल जाता है घुसने के साथ में हॉल, और इसके साथ साथ सामने की तरफ मेन गेट आप लगा सकते हो। तो इस तरीके से काम किया गया, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग को इसका अपडेट देता रहूँगा ताकि आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिल सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, बनता हुआ घर के बारे में क्या जैसे सजेशन देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपना विचार रख सकते हो। आने वाले दिन में इस घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और नक्शा का वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।